आज की कहानी है लाइफ एंड बिजनेस वेलनेस स्ट्रेटजिस्ट नाक्षी सात्रा की, जिन्होंने बचपन में मेंटल ट्रॉमा से गुजरने के बाद अपनी जिंदगी की दिशा बदली और वेलनेस स्ट्रेटजिस्ट बनने का रास्ता अपनाया। इन्होंने अल्टरनेटिव हीलिंग के जरिए न सिर्फ अपने भीतर की ताकत को पहचाना बल्कि अब दूसरों की परेशानियों का भी हल निकाल रही हैं। नाक्षी की परवरिश मुंबई में हुई, यहीं से उन्होंने स्कूलिंग की, जिसके बाद फाइनेंस में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और इसी फील्ड में करियर बनाया। साथ ही फैशन, योग, फाइनेंस तमाम फील्ड में काम किया, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में कई परेशानियां देखी। बचपन से ही उन्होंने मेंटल हेल्थ इश्यूज देखे। टीचर्स ने जब काउंसलिंग करवाने की सलाह दी तब उस समय उन्हें राहत तो मिली लेकिन परमानेंट सलूशन नहीं मिला। नाक्षी की पढ़ाई के दौरान उनकी माँ को ड्यूओडेनल कैंसर हो गया, जिसका इलाज नहीं है। माँ के कैंसर के बारे में उन्होंने खूब रिसर्च की, तब मोटिवेशन मिला कि अल्टरनेटिव हीलिंग में जाना चाहिए, लेकिन तब तक उनके माँ का कैंसर इतना बढ़ चुका था कि अब वो ठीक नहीं हो सकता था। माँ की मृत्यु के बाद नाक्षी ने अल्टरनेटिव हीलिंग की प्रैक्टिस खुद को ठीक करने के लिए शुरू की, साथ ही दूसरों को थेरेपी देनी शुरू की। अब नाक्षी को इस तरह नाक्षी का काम आगे बढ़ता रहा और साल 2021 में मेंटल वेलनेस के लिए इन्हा वेलनेस नाम से कंपनी की शुरुआत की, जिसके जरिए वो लोगों की मानसिक परेशानियों को मेडिटेशन, ब्रीदिंग, थीटा हीलिंग जैसे तरीकों से दूर करने का काम कर रही हैं। नाक्षी का मानना है कि हर इंसान के पास परेशानियां हैं और हर परेशानी का सलूशन भी है। अगर मन में ठान ले तो किसी भी परेशानी का हल जरूर निकल सकता है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।